हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड। प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे फैक्टर ट्री मेथड से, वही आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। देखिए, जो नंबर एक से और अपने आप से डिवाइड होता है उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे कि 2। अभी 2, 3, 5, 7 ये वो नंबर है जो कि खुद से या एक से ही डिवाइड होंगे, इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। इन्हीं को हम कहेंगे प्राइम नंबर। 23, 29, 31, 37 दीज आर द प्राइम नंबर। आप ध्यान में रखिएगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो कि एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। एक नंबर गिवन है 24, इसका हमें बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड से। सो हम कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर 24 का। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे 24 के अराउंड, ठीक है, और इस तरीके से दो एरो बनाएंगे। यहां पर भी हम दो सर्कल लगाएंगे। अब यहां पर जो भी हम नंबर लिखेंगे वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। और 24 को हम कैसे लिख सकते हैं ये भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12, 3 × 8, ठीक है। एंड 24 को हम लिख सकते हैं 6 × 4, है ना। बट इनमें से हम कौन सा नंबर लेंगे, ये वाला नंबर तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि इनमें कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं है। दोनों नंबर में से एक प्राइम नंबर होना चाहिए। हम 3, 8 ले सकते हैं और 2 और 12 ले सकते हैं। तो यहां पर मैं लूंगी 2 और 12, ठीक है। अभी 2 तो एक प्राइम नंबर हो गया, इससे कम मतलब इसके और फैक्टर नहीं हो सकती। 12 को हम लिख सकते हैं अगेन 2 × 6। नाउ 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3, इस तरीके से, ठीक है। नाउ इस 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2, 2 × 3। नाउ अभी 24 को हम देखते हैं इस वाले में नंबर से, अगर हम यहां पे 3 और 8 को चूज करें तब क्या आंसर हमारा आएगा। सो यहां पे आ जाएगा 2 और 4, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, ध्यान रखिएगा। और 4 को हम लिखेंगे 2 और 2, ठीक है। तो यहां पर क्या फैक्टर आए हमारे, 3, 2, 2 और 2। सो बोथ नंबर्स आर सेम, सिर्फ आगे पीछे हो गए हैं। सो आप कोई भी नंबर ऑप्ट करें प्राइम फैक्टर सेम ही आएंगे। बट ध्यान रखना, जब भी हम इनको इस तरीके से लिखेंगे उनमें एक जो नंबर है वो प्राइम होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए अभी हमें प्राइम फैक्टर निकालना है 120 का, ठीक है। सो सबसे पहले हम इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे और जो 120 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं 2 × 60, है ना। और फिर 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 30, यानी कि जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे 60 को हम 2 × 30 लिख रहे हैं, उनमें से एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 कैन बी रिटन एज 2 × 15। नाउ 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, इस तरीके से, ओके। नाउ एक और भी तो मेथड हो सकता है हमारा 120 का, कि हम इसको 3 और 40 लिखें, है ना। ये भी तो हो सकता है कि 2 और 60 लिखने की जगह हम 3 और 40 से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, नाउ 40 को हम कैसे लिखेंगे, 40 कैसे लिख सकते हैं, हम 40 को लिख सकते हैं 2 × 20 लिख सकते हैं, ओके। और 4 और 10 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर ये दोनों जो है इवन नंबर हो जाएंगे, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं रहेगा और हमें चाहिए प्राइम नंबर। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 8, ठीक है। सो यहां पे हम लिखते हैं इसको 5 × 8, ठीक है। अभी 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2, 4, है ना, 2, 4 करके लिखना होगा। और यहां पे हम इसको लिखेंगे 2 और 2। सो अब इनके प्राइम फैक्टर हम चेक करते हैं, 2 × 2 × 2, 3 और 5, ठीक है। यहां पे इनके प्राइम फैक्टर हम चेक करेंगे, 3 × 5, 2 × 2 और 2, सेम है, सिर्फ आगे पीछे चले गए हैं। तो आप किसी भी मेथड से करें
प्राइम फैक्टर हमेशा सेम ही होगा, बट ध्यान रखें जब भी हम यहाँ पे फैक्टर ट्री में यहाँ पे कोई भी नंबर लिखेंगे उनमें से एक नंबर जो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिए।